सो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम दर्शन करेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, नासिक में संपूर्ण दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर धाम। तो घुश्मेश्वर धाम जाने के लिए मैंने सबसे पहले नासिक से औरंगाबाद की बस पकड़ी। बस ने केवल 5-6 घंटे में मुझे औरंगाबाद सेंट्रल बस स्टैंड में पहुँचा दिया। औरंगाबाद बस स्टैंड से घुश्मेश्वर धाम जाने के लिए हमें औरंगाबाद बस स्टैंड में ही बस मिलती है विरुल के लिए। विरुल ही वो गांव है जहां श्री घुश्मेश्वर धाम मंदिर है। तो घुश्मेश्वर धाम केवल 32 किलोमीटर दूर है औरंगाबाद से। मुझे वहीं से बस मिली। बस ने केवल 1 से 1.5 घंटे में मुझे घुश्मेश्वर धाम पहुँचा दिया। अगर रूम की बात करें, रूम हमें 300 से 400 रुपए के बीच आराम से मिल जाता है। मतलब कम पैसे में अगर घूमना है तो हमें कम पैसे वाला रूम ही चाहिए। तो अभी मैंने रूम लिया है 300 रुपए का। ये न्यू कैलाश होटल है, से मंदिर परिसर से बिल्कुल सामने से रास्ता आता है, बिल्कुल सामने से। तो यहाँ पर दिखाता हूँ अभी मैं आपका होटल। दिखाता हूँ अंदर से है कैसा। अंदर से ऐसे नॉर्मल ही है, डबल बेड लगा होगा, अटैच बाथरूम है और बस, बाकी कुछ नहीं है। तो बढ़िया है। ये आंटी क्या करती हैं, 20 का बोल के ना, ऐसे 20 का बोलेंगे क्योंकि 20 का फूल जो है वो आप ले जाओ। ये आते टाइम ना उसी फूल का 50 रुपये लेंगे, बोलेंगे आप पैसे जो है वो आते टाइम दे देना। ये कल हमारे साथ हुआ था यही वाला स्कैम। मगर मंदिर में ऐसे काम अच्छे नहीं लगते, बट ठीक है, होता है। यहाँ मंदिर परिषद के अंदर हमें कैमरा लेके जाने नहीं देते हैं, फ़ोन भी बाहर सबमिट होते हैं। आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, यहाँ पर एक मेला लगता है इस टाइप का। अभी यहाँ शूज़ उतारेंगे हम उतार के अपन। अब हम अभी ना फ़ोन जो है वो लॉकर रूम में जमा करवाएंगे। यहाँ लेते हैं फ़ोन जमा करने का 5-5 रुपया। तो कल भी इसी भाई से हमने करवाया था फ़ोन जमा, ये वाला भाई है अपना, 5 रुपये में लेते हैं यहाँ पर वही। धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री घुश्मेश्वर धाम अंतिम और अपने आप में संपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। यही वो ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन करने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा संपूर्ण मानी गई है। मंदिर की इमारत और स्तंभों पर आपको प्राचीन काल की शिल्पकला देखने को मिलेगी, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर और मनमोहक है। मुस्लिम शासक औरंगजेब ने 13वीं और 14वीं शताब्दी में इस मंदिर को पूरी तरह तोड़ दिया था। जब मुस्लिम शासक ख़त्म हुआ लगभग 16वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहल्याबाई ने इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। मंदिर के अंदर दर्शन काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो मेनली अंदर जब जाते हैं ना लोग, तो वो टी शर्ट उतारनी पड़ती है लड़कों को टी शर्ट उतार के दर्शन करने होते हैं। और मतलब काफ़ी खुले खुले दर्शन होते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर आप टाइम पे पहुंचते हो तो आपको खुले खुले दर्शन होंगे। ये घृष्णेश्वर महादेव 12वां ज्योतिर्लिंग है, मेरा दूसरा है। मुझे काफ़ी आनंद आया, काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे रहने के लिए बिल्कुल ठीक है, आना जाना भी ठीक है। तो अभी हम चलेंगे, लेटे हनुमान है यहाँ पे, यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर। अभी वहीं चलेंगे। जय शिव शंकर।